और यहाँ पास मैं भी रेडी हो गया हूँ और वाइफ है वो भी रेडी हो गई हैं। चलते हैं, घर में सब रेडी हो गए हैं। इसको धो चुके हैं और इसको अब सुखाने की पाली। पहले सुखाया था तो ये पूरा उस तरफ गया था, तो उसको निकाल के वापस से रखते हैं और उसके जगह में। और ये जो लकड़ी पकड़ा हूँ ये मेरे दादाजी की निशानी है, इसी की मदद से मैं इसको निकाल पाया हूँ, नहीं तो उस साइड हो जाता। वो किया, कट किया और ऐसा कुछ ड्रैगन फ्रूट है वो है, और इसमें से एक एक पीस खाएं। तो एक एक पीस खाने के बाद ना उस पूछते हैं कि इसका टेस्ट कैसे लगा। मेरे को तो पता है मैडम, पूछते हैं। खाना वाना कंप्लीट हो गया और बाबू फिर सो गया है, और अब बाबा सो गया हो तो बाबा सो गया, बाबा सो गया। चलिए खाइए लास्ट पीस, बहुत सारा पीस मैं खाए, अब ये खाएंगे। हाँ, मेरे मुंह नहीं। तू तो ऐसे वैसे कहा था और गिरा दे वो। और एक और चीज दिखाता हूँ तो दोस्तों आपको, आज हमारे घर में 2 दिन 3 दिन हो गया, गांव गए थे वहीं से लाए थे इसको कछुआ, और अभी धूप धूप में है, विटामिन डी ले रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए दिन एक नए ब्लॉग में दोस्तों। और ये 100 डे 100 ब्लॉग का आज ये 5वां दिन है दोस्तों। मॉर्निंग का समय है, अभी नाश्ता वगैरह नहीं किए हैं, उठे हैं, जस्ट उठे हैं, ब्रश व्रश किया, फ्रेश हुआ, उसके बाद रूम में आके बैठे थे। फिर मैडम बोली कि थोड़ा धूप में बैठते हैं क्योंकि आप हल्की हल्की ठंड लगने लगी है ना, तो बोली कि धूप में रहते हैं। तो यहीं पर जस्ट ऐसे हम लोग खड़े थे। नाश्ता भी कौन नाश्ता क्या नहीं बन रहा है, अभी बन रहा है लेकिन पता नहीं बना रहे हैं, बड़ी भाभी शायद तक बना रहे हैं लेकिन कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अभी कितने बज गए हैं, 9 साढ़े 9 बज गए ना, 9:30 बज गए हैं। और फिलहाल अभी धूप है वो बहुत ही ज्यादा तेज है दोस्तों, तो चलते हैं अंदर की तरफ क्योंकि समय सवेरे का ठीक है। अभी ना धूप ज्यादा हो गया है ना, ऊपर सूर्य ऊपर आ गया, इसी वजह से धूप है वो ज्यादा लग रहा है और भूख तो लग रही है। इंतजार करते हैं नाश्ता कब तक बन के आता है। और यहाँ पर अभी फिलहाल नाश्ता नहीं बनाया, तब तक ऑरेंज खा रहे हैं, कैसे लग रहा है? टेस्टी टेस्टी नहीं, मैं खाया था ये खट्टा खट्टा था, इसीलिए नमक के साथ खा रहे हैं। खाइए खाइए, जब तक नाश्ता नहीं आ जाता तब तक। भूख बहुत तेज लग रही है और अभी मेरे को लग रहा है कि जहां तक नाश्ता मेरे लिए आ गया, ये आ गया मेरे लिए नाश्ता, भूख बहुत ज्यादा लग रही है। चलो खाते हैं। और आज नाश्ते में बना है दोस्तों पूड़ी और मिर्ची का चटनी। मेरे को तो भूख है वो बहुत बहुत जोर की लग रही है, बहुत जोर की, इसीलिए खाता हूँ मैं जल्दी से। चलो जी, नाश्ता पानी पेट पूजा तो हो गया कंप्लीट। और दोस्तों जैसे ही मैं जाऊंगा बोला वाइफ को कि मैं हेयर कट करवाने जाऊंगा बोल के, हेयर कट सॉरी शेविंग कराने जाऊंगा बोला, तो बोली कि ब्लैंकेट और बेडशीट है उसको धोने का है ऐसा बोल के। तो मैं बोला उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, मैं बोला मैं भी साथ में करने लगूंगा, उसके बाद फिर चला जाऊंगा। तो कपड़े को डुबाए हैं, उसके बाद उसको वॉश कर देते हैं, उसके बाद फिर निकलूंगा शेविंग कराने के लिए। और यहाँ पर बेडशीट को डुबाया गया है और यहाँ पर ब्लैंकेट जो कि बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा, और इसको हाथ से तो क्लीन कर नहीं सकते इसीलिए ऐसे पाँव से करना पड़ता है। इसको धो चुके हैं और इसको अब सुखाने की पाली। पहले सुखाया था तो ये पूरा उस तरफ गया था, तो उसको निकाल के वापस से रखते हैं और उसके जगह में। और ये जो लकड़ी पकड़ा हूँ ये मेरे दादाजी की निशानी है, इसी की मदद से मैं इसको निकाल पाया हूँ, नहीं तो उस साइड हो जाता। ये चलो मेरे पीछे। और कपड़े को फाइनली सुखा चुके हैं दोस्तों, हालत खराब होगी भाई, बहुत बहुत हालत खराब है। उसको उठाने में ब्लैक रेड कलर का जो था ना ब्लैंकेट, वो तो हालत ही खराब हो गया। एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर, और कटेली माँ ये। और एक और चीज दिखाता हूँ तो दोस्तों आपको, आज हमारे घर में 2 दिन 3 दिन हो गया, गाँव गए थे वहीं से लाए थे इसको कछुआ, और अभी धूप धूप में है, विटामिन डी ले रहा, उसके बाद उसको अंदर करेंगे। तो फिलहाल अभी शेविंग वगैरह करा के निकल गया और सीधा मैं घर जाने वाला था। फिर भाई फ़ोन किया, बोली कुछ सब्जी ले आई, तो मैं उनके लिए अंडा करी पैक करवाया
अब पहुंचते हैं सीधा घर, अभी नहाना भी है मेरे को। और मैं पहुंच गया घर, ये लीजिए आपके लिए। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। और शेविंग से पहले मैं कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा हूँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए, और मैं जस्ट नहा के आ गया दोस्तों। यहाँ पास मैडम खाना भी ले आई, खाना खाते हैं। Sometime later. फिलहाल दोस्तों अभी शाम का समय है, मेरी ड्यूटी में जाने का टाइम हो गया। बाहर में अंधेरा पूरा हो गया है। और कल मैं लाया था ड्रैगन फ्रूट लाया था। उसको मैं बोला कि आज खा के टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। उसको फिर मैं वो किया, कट किया, और ऐसा कुछ ड्रैगन फ्रूट है वो है। और इसमें से एक एक पीस खाएं, तो एक एक पीस खाने के बाद ना उस पूछते हैं कि इसका टेस्ट कैसे लगा। मेरे को तो पता है मैडम, पूछते हैं। बताइए जी मोहतरमा, आपको कैसा लगा ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट इनको पसंद नहीं आया, बहुत गंदा टेस्ट, बहुत गंदा टेस्ट है। खा रहे थे तो उनको पता नहीं उल्टी जैसे लगने लगा। और क्या बोलते हैं कि अच्छा किए कि ज़्यादा नहीं लाए, एक पीस लाए। तो मैं बोला कि भाई नया चीज़ें कभी खाए नहीं है तो ज़्यादा लाना ठीक नहीं है। और अभी मैं फिलहाल ना जा रहा हूँ दोस्तों, आज जल्दी जाऊँगा अपनी ड्यूटी में काम करने, क्योंकि आज खाना है वो बाहर जाना है खाने के लिए। और किस खुशी में खा रहे हैं खाना वो मैं आपको ड्यूटी से आने के बाद और जब खाना खाने जाएंगे तब बताऊँगा। और फिलहाल मैं अभी खाता हूँ एक ड्रैगन फ्रूट का पीस। मीठा मीठा टेस्ट है। एक और तरफ से। एक खाओगे तो मैं जान जाऊंगी कि इसका टेस्ट अच्छा है ना? ठीक है। टेस्ट है दोस्तों, ठीक है ड्रैगन फ्रूट का, लेकिन एक बार खाएंगे तो दोबारा नहीं खाएंगे, ऐसा टेस्ट है। और वीडियो में देखने से लगता है कि बहुत मीठा होगा, बहुत टेस्टी होगा। आज खाने के बाद पता चला कि खाली देखने के लिए टेस्टी है, एक बार खा सकते हैं, दूसरा नहीं। वो भी एक बाइट एक स्लाइस खा सकते हैं, चार उसमें भाग करेंगे उसमें से एक स्लाइस बस खा सकते हैं, उतना टेस्टी है। अब इसको खिलाने की बारी मेरी, अब इनको खिलाऊंगा। चलिए खाइए लास्ट पीस, बहुत सारा पीस मैं खाए, अब ये खाएंगे। खाओ। तो मेरे मुंह नहीं, तू तो ऐसे वैसे कहता है और गिरा दे वो ड्रैगन फ्रूट को, मैं इनको खिलाने वाला था और ये गिरा दी, वो रहा उनको खाने का मन नहीं था, इसीलिए मुंह ऐसे ऐसे बनाने लगी और मैं वीडियो बनाने लगा और गिर गया। One hour later. दोस्तों मैं ड्यूटी में गया, 7 बजे गया और अभी टाइम हो रहा है 8:11 और आ गया हूँ, क्योंकि आज मतलब भैया बोले कि भाई खाना खाने जाना है बाहर बोल के, इसी वजह से जल्दी से मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पास मैं भी रेडी हो गया हूँ और वाइफ है वो भी रेडी हो गई है। चलते हैं घर में, सब रेडी हो गए हैं, चलते हैं जाएंगे। अब पता नहीं कहाँ खाना खाने जाना है, वो नीचे जाएंगे तब पता चलेगा। चलें, चलो। खाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पास टचअप वगैरह, मेकअप हो रहा है, मेकअप कर रही है। अभी हम लोग निकल गए हैं दोस्तों, मेरे साथ है वाइफ जी हैं और शिवान भी अपने पास है। और मैं ज़्यादातर टाइम तक वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ। ये रहा हमारा शिवान बाबा, शिवान बाबा, शिवान सो गया तो बाबा सो गया, बाबा सो गया। और अभी जस्ट हम लोग पहुँच गए KGN और यहाँ पास भैया भाभी दिशा यहाँ पास है, नेहा भाभी भैया है, और इधर हम दोनों हैं। और यहाँ पास फोटो इधर शिवान, शिवान और यहाँ पास खाना हमारा टेबल पे आ चुका है और देखने में तो बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा है और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। अब टूटते हैं खाने पर, वैसे स्टार्ट कर चुके हैं, सबको यहाँ पास खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने, और मैं तो खास करके, और यहाँ पास वाइफ जी।
ये लैब में बेटू। हाँ हम लोग तो खाना वाना खा लिए और शिवांश अभी मेरी गोदी में है ना बेटू। बाबा मेरे पास है और हम लोग जाएंगे अब घर। चलो खाना वाना कंप्लीट हो गया और बाबू फिर सो गया है और अब जा रहे हैं दोस्तों घर। पहुँचते हैं, खाना ना खाए ना अच्छे से जी। हाँ बहुत अच्छे से खाए और बहुत लजीज खाना था। और चलते हैं दोस्तों अब घर, बाबू बेचारा तो सो गया। अभी हम लोग जस्ट पहुँचे घर दोस्तों और खाना तो बहुत टेस्टी था। ऐसे ही क्या बोलते हैं, मन किया फैमिली के साथ सब जाने के लिए तो भैया बोले कि आज बाहर खाने जाना है तो चले गए थे। फिलहाल आ गए हैं, अभी मेरे को अभी वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है और तभी आपको वीडियो मिल पाएगा दोस्तों। और व्लॉग कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे मेरे को अगर अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली व्लॉग में फिर से, तब तक के लिए बाय।